मेरठ में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी बदमाशों का आतंक जारी है। ताज़ा मामला सिविल लाइन का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर में घुसकर जमकर लूटपाट की, घर में रखे जेवरात और नकदी लूट लिया और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं पुलिस अधिकारी जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रहे हैं। सिविल लाइन थाने क्षेत्र का मोहनपुरी मोहल्ला है, यहाँ पे एक रिटायर्ड जी साहब रहते हैं और उनके घर में आज लगभग 11 बजे के आसपास कुछ बदमाश घुस गए। उन लोगों ने लूटपाट की है। हम लोग के पास कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज हैं इसमें। हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद इमीडिएटली बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं, लोगों से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिले हैं और हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी से रिपोर्ट कर लेंगे। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां ये वारदात हुई वहां से क्षेत्र अधिकारी का ऑफिस कुछ ही दूरी पर है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।